हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फेस्टिव सीजन चल रहा है और आने वाला है हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल यानी कि दिवाली। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिवाली लुकबुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा फर्स्ट लुक है ये मल्टी कलर ऑर्गेंजा साड़ी, जिसको मैंने वियर किया इस स्वेट टॉप के साथ। ऑर्गेंजा साड़ी आजकल थोड़ा ट्रेंड में है, मैंने सोचा मैं भी ये ट्राई कर लेती हूँ। और मुझे इसके मल्टी कलर्ड फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैंने ये साड़ी ली थी एक लोकल मार्केट से भोपाल में, भोपाल सिटी मार्केट जो है, मैंने वहाँ से लिया था इसे। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत कम्फर्टेबल है। इसको वियर करने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई साड़ी वियर करी हुई है। एक्चुअली ये एक साड़ी नहीं है, मैंने बस 6 मीटर ऑर्गेंजा फैब्रिक थान से कट करवा लिया था। तो मैंने सोचा था इसकी मैं एक साड़ी बनाऊंगी और इसमें कोई बॉर्डर दूंगी, बट फिलहाल मेरा मूड बदल गया, मैंने कोई बॉर्डर नहीं लगाया इसमें। मुझे ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और मैं अपने कपड़े खुद से डिज़ाइन करती हूँ, तो मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। और मैंने पहने हैं हील्स, मैंने इसमें लिया है एक हैंड क्लच और मैंने इसको स्टाइल किया है इस नेक पीस के सेट के साथ। तो होल लुक मेरी साड़ी का कुछ ऐसा है। और मैंने इसमें जो टॉप वियर किया है वो भी भोपाल न्यू मार्केट का है। लेट मी शो कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया। ये एक स्वेट टॉप है, हल्की हल्की ठंडी में आप इसे वियर कर सकते हो, ज़्यादा ठंडी में आप नहीं वियर कर सकते इसको, क्योंकि दिवाली में हल्की हल्की ठंड लगने लगती है, सो उसके लिए ये परफेक्ट रहेगा। एक हाथ में मैंने पहनी है ये मल्टी कलर्ड मेटल चूड़ियाँ और दूसरे हाथ में मैंने पहना है ये गोल्ड ब्रेसलेट और ये मैंने पहनी एक छोटी सी रिंग। सो ये था मेरा फर्स्ट लुक। तो गाइस सेकंड लुक है मेरा ये ब्यूटीफुल सा रेड सूट सेट। ऑल्सो ये वाला भी सूट मैंने खुद से ही स्टिच किया है, कंप्लीट सूट सेट मैंने खुद ही बनाया है। इसमें मैंने एक पैंट बनाई है रेड कलर की, मैचिंग रेड कलर्स की मैंने एक स्ट्रैपी कुर्ती बनाई है और इवन दुपट्टा भी मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक कट करवा करके और उसमें मैंने ये लेस अटैच करी है। इसमें बहुत सुंदर सी बॉर्डर लगाई है मैंने और दुपट्टा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और इस तरह से मेरा ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सूट रेडी हो गया है। अभी कुछ दिन तक इसको वियर कर सकते हैं, दिवाली पे कर सकते हैं, इसके बाद तो कोल्ड आ जाएगा तो इसके बाद वियर नहीं कर पाएंगे। इसको मैंने स्टाइल किया है इस नेक पीस के साथ, इसमें मैंने सारा कुछ मैचिंग पहना है, बस मैंने अलग से एक मांग टीका पहना है छोटा सा राउंड वाला और हाथों में मैंने गोल्डन और रेड मेटल चूड़ियाँ पहनी है मैंने। और इसमें मैंने पहनी है ये गोल्डन कलर की ब्यूटीफुल सी स्लीपर जो इस सूट सेट के साथ बहुत ही अच्छी लग रही है। हेयर्स को मैंने स्ट्रेट ओपन रखा है। ये है मेरा कंप्लीट लुक, मुझे ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया। गाइज ये जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही ज़्यादा क्लासी बना है, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ये बहुत ही परफेक्ट लुक है। इस लुक को प्लीज आप जरूर ट्राई करना एक बार। इस लुक में आप कोई कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा भी ले सकते हो, मुझे ओवरऑल रेड लुक बनाना था इसलिए मैंने रेड दुपट्टा ही कैरी किया है। सो गाइस ये है मेरा सेकेंड लुक। गाइस नेक्स्ट लुक है मेरा ये बेबी पिंक नेट साड़ी, जिसको मैंने वियर किया है लास्ट वाले रेड स्वेट ब्लाउज के साथ। ये साड़ी भी सेम ऑर्गेंजा साड़ी की तरह बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और पहनने के बाद जैसे कि मैंने कि बताया कि बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता कि मैंने कोई साड़ी वियर करी हुई है। ऑर्गेंजा साड़ी के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, मतलब सिमटती नहीं है, और ये तो अपनी जगह पर फिक्स रहती है। तो इसमें एक ये प्लस पॉइंट है कि ये अपनी जगह पर फिक्स रहती है, उसको फिक्स करना पड़ता है। गाइस इस साड़ी का जो ये कलर है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, जिसकी वजह से मैंने इसे लिया था। एक्चुअली ये भी एक साड़ी नहीं है, ये भी सेम तरीके से मैंने इसको
थान से कट करवा लिया था 6 मीटर नेट का फैब्रिक, और इसमें बॉर्डर जो लगी है वो भी मैंने ही लगाई है, और इसी बॉर्डर से मैचिंग करते हुए मैंने इसके लिए ब्लाउज स्टिच किया था। तो मैचिंग ब्लाउज के साथ मैं इस साड़ी को तो कई बार स्टाइल कर चुकी हूँ, मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ। हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी सर्दी भी स्टार्ट हो गई है, तो उस पर्पज से ये ब्लाउज इसके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगी, तो इसलिए मैंने इस ब्लाउज को इसके साथ पहना है और मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ये कैसा लग रहा है प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। और इस लुक को मैंने कंप्लीट किया है सेम लास्ट वाले सेट के साथ, नेकलेस, ईयर हुक्स, रिंग और ब्रेसलेट सारा कुछ मैचिंग है, पूरा सेट ही है। और एक हाथ में मैंने पहनी अपनी ये वॉच, फॉर्चुनेटली ये मेरे साड़ी के कलर से बहुत ही ज्यादा मैच कर रही, इसलिए मैंने इसको पहन लिया। इसमें हेयर्स को मैंने इसमें भी स्ट्रेट ओपन ही रखा है, और इस लुक में भी मैंने पहनी है सेम लास्ट वाली गोल्डन स्लीपर जो इस साड़ी के साथ बहुत ही ज्यादा जच रही है। नेक्स्ट लुक है मेरा ये खजूरी सलवार सूट सेट, तो ये थोड़ा सा मुझे पंजाबी टच दे रहा है, मुझे भी इस तरह का सूट सेट पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा इस बार मैं ये ट्राई करती हूँ। ऑल्सो इसे भी मैंने ही बनाया है, और मैंने साथ में इसमें वियर किया है ये लेस येलो कलर का दुपट्टा जिसमें मैंने ऑरेंज बॉर्डर भी लगाई है। एक्चुअली ये दुपट्टा इसका सेट नहीं है, पर मैंने इसको इसमें मैचिंग करते हुए लिया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। मुझे बोट नेक काफी पसंद है, इसलिए मैंने बोट नेक बनाया है इसमें। इसे मैंने स्टाइल किया है इस तरह के मल्टी कलर्ड हुक इयररिंग के साथ, और हाथों में मैंने पहनी है वही मल्टी कलर मेटल चूड़ियां, और मैंने दुपट्टे को मैच करते हुए लगाई है येलो बिंदी, और स्लीपर मैंने सेम ही रखा है। जो लोग इस दिवाली पंजाबी लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये लुक बहुत ही परफेक्ट रहेगा। तो ये था मेरा फोर्थ लुक। तो गाइस मेरा फिफ्थ लुक उन लोगों के लिए है जो थोड़ा मॉडर्न बट इजी और क्लासी लुक चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया है। इसमें मैंने पहना है फ्रंट स्लिट गैदर्ड लॉन्ग ड्रेस जो स्लीवलेस है, और उसके ऊपर मैंने वेयर किया है ये लॉन्ग श्रग। ये दोनों ही ड्रेस मैंने खुद से ही डिज़ाइन किए हुए हैं, और नीचे मैंने पहनी है अपनी रेड सूट वाली रेड पैंट, और इस तरह से मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। जो मेरी ये येलो वाली फ्रंट स्लिट ड्रेस है उसे मैंने ऐसे ही कई बार वियर किया हुआ है, तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा इसको डिफरेंट लुक देती हूँ, और इस तरह से पहनने के बाद ये कंप्लीट ड्रेस की तरह लगता है। इस तरह से वियर करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी लुक बन जा रहा है, और पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, चलने भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और लुक वाइज भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं कुछ इस तरह का लुक। इसमें मैंने ये लिया है साइड पर्स, और मैंने हाथ में पहना है घुंघरू वाली ब्रेसलेट, और कान में मैंने पहने हैं उसी से मैच करते हुए राउंड घुंघरू वाले इयररिंग्स, और एक हाथ में मैंने पहनी है सेम मल्टी कलर चूड़ियाँ। पैरों में मैंने पहने हैं ये येलो वाले हील्स जो इसके साथ बहुत ही अच्छा लुक दे रही है, और मैंने नेक को खाली ही रखा है, और हेयर्स को मैंने पीछे से क्लच किया हुआ है, और फ्रंट से मैंने बालों की कुछ लेयर्स निकाल ली है। तो इस तरह से मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। तो ये है मेरा लास्ट लुक। इन लुक्स में से आपको कौन सा पसंद आया मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कौन सा लुक आप ट्राई करने वाले हो ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। गाइज मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अनुपमा चौबे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसे चेक कर सकते हैं। और इन सारे लुक्स की मैं अच्छी अच्छी रील्स बनाने वाली हूँ, तो मैं उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी, तो आप वहाँ जाके इसको चेक कर सकते हैं। और गाइज मेरा एक और चैनल है जिसमें अपने स्टिचिंग और डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियोज डालती हूँ, तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।